नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से नाथ नगरी बरेली आ पहुंची है और बरेली में 11 तारीख को वोटिंग होनी है और 13 तारीख का इसका रिजल्ट आना है। तो हमारा जो शो है शहर की सरकार, देखना यही होगा अब बरेली शहर में किसकी सरकार होती है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। मेरे साथ महामहोर प्रत्याशी भूपेंद्र मौर्य जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर मैं इनसे जानूंगा इस बार के चुनावी माहौल में कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो आप बीच। शिक्षा पर काम कर रही है, अलग ढंग से काम कर रही है, सफाई पर काम कर रही है, वो चिकित्सा पे भी काम उसका चल रहा है, इस तरह से सफाई पे काम चल रहा है, चिकित्सा पे काम चल रहा है। आम आदमी पार्टी कुछ हटके काम कर रही है, पब्लिक में पब्लिक की जो समस्याएं हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, आम जन, गरीब जन, उन सबको साधने का काम कर रही है, उन सबको लेके चलने का काम कर रही है। जिस तरीके से अब मैं देख रहा हूं कि पूरा बरेली खुदा पड़ा है, पूरे बरेली की रास्ते की गलियां सड़कें सब खराब हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको यहाँ की जनता अगर मौका देती है तो आप क्या काम करेंगे? देखिए, प्रबंधन कार्य करने का जो दिल्ली सरकार करती है, रातों रात में काम होता है, बड़ा फास्ट होता है। ये नहीं होता है खोद के रख दिया, दो दो महीने ब्रेक हो जा रहा है, तो ये सब जो है गलत तरीका है। तरीका ये है कि कोई भी पब्लिक का रोड है और उस पर काम चल रहा है तो उसको फास्ट काम करना चाहिए, चार गुनी रफ्तार होना चाहिए और रातों रात काम होना चाहिए। भाई विकास कार्य होंगे, भाई बाधा तो आएगी, पर वो दो महीने वाला काम आपका दो हफ्ते में भी हो सकता है, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है, आज योगी आदित्यनाथ जी का प्रोग्राम भी था, वो कह रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, अब अगर हमारा मेयर प्रत्याशी जिताते हैं तो हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार। सरकार जो है ठीक है, माननीय योगी साहब ने जो भी कहा है अपने पार्टी के लिए ठीक कहा है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, किंतु हाँ भाई, आम आदमी पार्टी का अपना एक अलग तरीका है काम करने का। उस हिसाब से हमें लगता है कि जो जो है पब्लिक में जो डिमांड है, जो लोगों की मांग है और जो जरूरतें हैं, उस पर काम पार्टी कर रही है और बहुत बड़ा जो है उसका मॉडल जो है पंजाब है, दिल्ली है, तो आम जन में अच्छी तरह से मतलब आ चुका है मन में, मस्तक में। तो हमें तो लग रहा है कि हम तो जहां जा रहे हैं पब्लिक जो है दिल से स्वागत कर रही है, इसलिए। आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, कहीं ना कहीं आपके कई मंत्री जेल में हैं, आपके सिसोदिया जी जेल में हैं, अभी केजरीवाल जी की जांच चली, उनका बंगले पे जो चीजें पाई गई हैं, जिस तरीके से महंगे महंगे टाइल्स लगवाए उन्होंने, उस पे भी सवाल उठ रहा है। तो क्या लग रहा है भूपेंद्र जी, अगर यहाँ के मेयर बनते हैं इस तरीके से वो भी काम करें? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ होते हैं, कार्य सब जो है हो सकते हैं और ये सब जो है चर्चा का विषय बनाने के लिए किसी पे भी जांच बैठाई जा सकती है और कोई भी मीडिया में छापा जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है, किंतु ये बात सही है, आम आदमी पार्टी के पास में जो नेता हैं वो साफ सुथरे छवि के लोग हैं, बेदागी लोग हैं और जो है ईमानदार किस्म के लोग हैं और पब्लिक को पसंद लोग हैं। एवरेज देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लोग ही सबसे बेहतर लीडर मतलब हैं, जो कि पब्लिक को पसंद है, पब्लिक को पसंद है। तो क्या लग रहा है यहाँ पर कितने वोटों से आपकी जीत होने? मुझे तो लगता है 1 लाख वोटों से जीत होनी चाहिए आम आदमी पार्टी की। हाँ बिल्कुल, जो मुझे लग रहा है कि पब्लिक में जो जो मतलब उनकी संवेदनाएं हैं हमारे पार्टी के प्रति, तो मुझे लगता है कि पार्टी के लोग पहले ही, क्योंकि आम जन लोग हैं ना, 90% लोग गरीब जन हैं और 90% की सिंपैथी कहें या यूं कहें समझ समझिए कि वो दिल्ली दूर तो है नहीं, पंजाब दूर नहीं है, सबका कहीं ना कहीं लिंक है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कम से कम जो है 2-3 लाख के बीच में वोट मुझे मिल जाने चाहिए आपको। जी जी, अच्छा आपने बड़े वादे किए थे विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन आपकी पार्टी ठाए ठाए फिस हो गई, एक भी एमएलए नहीं आप जीते। हाँ हाँ भाई, आप
वो तो है ही भाई, इसमें पारदर्शी मतगणना नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है बैलेट पेपर से होना चाहिए। अब ईवीएम बताइए, बार बार हमें कहा जा रहा है कि आप भेजिए ईवीएम मशीन चेक कर लीजिए, हम उसके कोई इंजीनियर थोड़ी ना है, उसमें क्या कमी देख सकते हैं? अब ईवीएम क्या कर देगी इसमें, तो मैं खुद इस मामले में कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना समझता जरूर हूँ कि मतलब ईवीएम में खेला होता है। हाँ निश्चित रूप से, तो आप इस बार भी यहाँ ईवीएम से चुनाव होना, क्या डरे हुए हैं? डरे नहीं है भाई, कुदरत के ऊपर है कुछ ना कुछ, हमें लगता है इस बार कुदरत जो है मतलब कुछ करेगी ऐसा कि जो वो नहीं होगा, खेला नहीं होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा मेरे साथ भूपेंद्र मौर्य जी मौजूद थे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी का एजेंडा तो बिल्कुल ही साफ होता है, जिस तरीके से वो ठेले वाले रेडी वाले और एक आम आदमी की जो बात करती है आम आदमी पार्टी, उसमें अगर कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आम आदमी की जो भी समस्या है उसका आप उजागर करें, सही तरीके से आप काम करें। तो देखना यही होगा कि 13 तारीख में यहाँ रिजल्ट आएगा, अब यहाँ किसकी जीत और किसकी हार होती है, अब यहाँ का मेयर कौन बनेगा, आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।